एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वैसे तो डेटा साइंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट उनमें से जो पांच सबसे ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वो आज हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है सर्च इंजन्स। अगर तुम्हें इंटरनेट पे कोई टर्म सर्च करना है तो ऐसा करने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम एक सर्च इंजन है, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है, ठीक है, ब्रेव एक सर्च इंजन है, ब्रेव ब्राउजर, राइट। अब मान लेते हैं इनमें से कोई भी एक सर्च इंजन उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट एज उठा लेते हैं। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाओगे और कोई टर्म सर्च करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज हमेशा ये चाहेगा कि कैसे वो उस सर्च किए गए टर्म से रिलेटेड रिजल्ट तुम्हारे सामने जल्दी से जल्दी ला सके, और वो ये भी ट्राई करेगा कि एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट तुम्हारे सामने आए जिससे तुम एज अ यूजर सेटिस्फाई हो। और ये जो चीज़ है ये हर एक सर्च इंजन के ऊपर लागू होती है। मतलब हर एक सर्च इंजन ये चाहता है कि जो भी टर्म यूजर ने सर्च किया है उस टर्म से रिलेटेड यूजर को रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले और एक प्रॉपर रिजल्ट उसके सामने आए। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सर्च इंजन डेटा साइंस का इस्तेमाल करता है। अब इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ तो तुम अभी भी जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज पे और सर्च कर सकते हो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन वीडियो। जब तुम माइक्रोसॉफ्ट एज पे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने सबसे पहले जल्दी से जल्दी हमारे चैनल का यानी कि परफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियर यूट्यूब चैनल का वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़, जो भी टर्म तुमने सर्च किया है उस टर्म से रिलेटेड तुम्हारे सामने जल्दी से जल्दी रिजल्ट आया और एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट आया। जो भी हमारा वो वीडियो है वो एप्रोप्रिएट वीडियो है, तुम्हारी जो क्वेरी है उस क्वेरी को सॉल्व करने वाला वीडियो है, और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी है। और इसी तरीके से सर्च इंजन को पता लगता है कि कौन सा रिजल्ट बेटर है और कौन सा रिजल्ट यूज़र के लिए बेटर नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो सर्च इंजन है, इन दिस केस फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज, वो डेटा साइंस का इस्तेमाल करता है। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या होता है। अमेजॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मिंत्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब किसी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को कंसिडर कर लो, मान लेते हैं अमेजॉन। जब तुम अमेजॉन पे जाते हो और किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ अमेजॉन जो है वो तुम्हें नीचे और बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। अमेजॉन ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस बेटर कर सके। अब ये जो अमेजॉन तुम्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है, ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कहाँ से आते हैं? ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस अमेजॉन के जो बाकी के यूजर्स हैं उन यूजर्स के परचेस हिस्ट्री से आते हैं, ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस तुम्हारे परचेस हिस्ट्री से आते हैं, ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस तुम जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी कौन से प्रोडक्ट्स हैं उसके बेसिस के ऊपर आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं। फायदा नंबर वन, तुम्हारे उन बाकी के प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स या एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट परचेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे अमेजोन का मॉनिटरी फायदा हो गया। और क्योंकि जो प्रोडक्ट्स तुम परचेस कर रहे हो वो ऑब्वियसली तुम्हारे काम में ही आने वाला है, इसीलिए तुम्हारा भी फायदा हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है विच इज कैरिड आउट बाय अमेजोन, इस प्रोसेस में अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट डेटा साइंस का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पास में अमेजोन से जितने भी लोगों ने एक फैन परचेस किया था उन लोगों ने फैन के साथ साथ एक रोप और एक चेयर भी परचेस किया था। तो अभी अब अगर तुम अमेजोन से एक फैन परचेस करने जाओगे तो नीचे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से एक प्रोडक्ट एक रोप जरूर होगा और एक प्रोडक्ट एक चेयर जरूर होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है विच इज अगेन कैरिड आउट बाय अमेजॉन, इस प्रोसेस में अमेजॉन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट डेटा साइंस का इस्तेमाल करता है। अब जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है एयरलाइन राउटिंग प्लानिंग। इसके अंदर तुम्हें टोटल दो पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर वन, एयरलाइन सेक्टर के अंदर डेटा साइंस की मदद से हम फ्लाइट डिलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर टू, एयरलाइन सेक्टर में ही हम डेटा साइंस की मदद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है तो उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्टली जाना चाहिए या
अगर उसने बीच में कहीं हॉल्ट किया तो वो चलेगा। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन हम एप्रोप्रिएटली डेटा साइंस के मदद से ले सकते हैं। अब जो चौथा एप्लीकेशन है वो है मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट। देखो, तुम लोग को ये चीज पता होगा कि अगर तुम्हें कोई मेडिसिन बनाना है तो एक मेडिसिन बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ डिपेंड होती है। मतलब बेसिकली अगर इन शॉर्ट कहूँ तो एक मेडिसिन बनाने के प्रोसेस में बहुत सारी अलग अलग डिफिकल्टीज आती है। अब डेटा साइंस की मदद से इन सारे के सारे डिफिकल्टीज को काफ़ी मिनिमाइज किया जा सकता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन डेटा साइंस, और इन अल्गोरिदम्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी मेडिसिन ह्यूमन बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगी, दैट टू विदाउट एनी लैब एक्सपेरिमेंट। अब जो पांचवा एप्लीकेशन है वो है डिलीवरी लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लॉजिस्टिक कंपनीज कौन सी है। DHL एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ब्लू डार्ट एक लॉजिस्टिक कंपनी है, फेडेक्स एक लॉजिस्टिक कंपनी है। और ये जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती है ये क्या करती है, ये लॉजिस्टिक कंपनीज किसी भी एक लॉजिस्टिक कंपनी को उठा लो, मान लेते हैं फेडेक्स। तो फेडेक्स क्या करेगी, फेडेक्स सेलर से प्रोडक्ट को लेगी, उसको अपने ट्रक के अंदर लोड करेगी। अरे यार, ट्रक का ड्राइंग, ओके ये ट्रक है मान लेते हैं। तो जो फेडेक्स है वो सेलर से प्रोडक्ट को लेगी, अपने ट्रक के अंदर डालेगी, और ये जो ट्रक है वो जाएगा फ्रॉम सेलर टू कस्टमर, और फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ट्रक का फ्रॉम सेलर टू कस्टमर जाना है या प्रोडक्ट का फ्रॉम सेलर टू कस्टमर पहुंचना है, ये बीच में का प्रोसेस ये लॉजिस्टिक कंपनीज विच इज इन आर केस फेडेक्स संभालती है। ठीक है, अब जो फेडेक्स है, आई मीन लॉजिस्टिक कंपनीज जो है, हम फेडेक्स को एज एन एग्जाम्पल पकड़ के आगे चल रहे हैं, राइट? तो जो फेडेक्स है वो क्या करेगी, वो ये पता लगाएगी कि इस ट्रक का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट रूट है, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है, और कौन सा सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ये पता लगाने के लिए वो डेटा साइंस का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कंपनीज डेटा साइंस का इस्तेमाल इस प्रोसेस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करती है, और डेटा साइंस की मदद से वो ये पता लगाती है कि कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा सेलर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाने के लिए, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होगा, और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए। ओके, अगर तुम्हें लेक्चर समझा होगा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।